सर आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो क्या काम कर रहे हैं? कुछ सुना है कि पशुपालन के बारे में आप लोग कुछ जानकारी दे रहे हैं इसके बारे में? हाँ बिल्कुल सही सुने हैं हम तो। एक्चुअली हम लोग दिल्ली से हैं, वहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्था है जो कि पशुपालन के ऊपर किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाया जाए इसके ऊपर काम करती है। तो अभी बिल गेट्स फाउंडेशन और USAID से एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है, सीसा जिसका नाम है, सीरियल सिस्टम इनिशिएटिव इन साउथ एशिया। तो उसमें 4 अंतर्राष्ट्रीय संस्थान काम कर रहे हैं जिसमें से हम लोग पशुधन के बारे में काम कर रहे हैं यहाँ पे कि पशुओं का दूध उत्पादकता जो है कैसे बढ़ाया जाए उसको। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग 2-3 चीज़ें कर रहे हैं। जैसे एक तो फीड बनाने के लिए तरीका बताते हैं किसानों को कि आप कैसे अपना घर में जो सामान उपलब्ध है उससे आप अपना फीड बना सकते हैं। फिर एक मक्के का कोई यहाँ इस्तेमाल नहीं करता है चारे के रूप में, तो उसमें हम लोग एक ये कर रहे हैं कि मक्के को यूरिया उपचारित करके किस तरह से मतलब उसको आप खिलाएं जानवर को, तो जिससे दूध भी बढ़ेगा और फिर आपका जो है जो दाना खिलाते हैं उसकी मात्रा भी आपको कम खिलानी पड़ेगी। और यहाँ पे इस इलाके में हम लोग कर रहे हैं वो मिनरल मिक्सचर, खनिज लवण मिश्रण का जो है उसका उपयोग, क्योंकि सारा चारा तो लोग खिलाता है, दाना खिलाता है, लेकिन खनिज लवण मिश्रण नहीं खिलाता है जिससे शरीर में बहुत पशुओं की कमी रहती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ के किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं और फिर उनको ये कह रहे हैं कि आप लोग इसको खिलाइए पशुओं को ताकि आपका पशु स्वस्थ रहे। हम लोग दुधारू पशु जो पालते हैं वो खास करके गेहूँ का भूसा, धान का कुट्टी यानी चारा का जो अवशेष होता है उस सब पर दाना, खल्ली, चोकर ये खिलाकर पालते हैं और दूध पैदा करते हैं। लेकिन अब क्या हो गया कि हमारे जमीन जो है खनिज लवण की कमी हो गई है, जिससे क्या होता है वो इस पेड़ पौधों में दाना में नहीं आ पाता है जिसको जानवर खाते हैं और वो जानवर के शरीर में नहीं पहुंच पाता है। उससे क्या होती है कि खनिज लवण की कमी जानवर में हो जाती है, उसका परिणाम ये होता है कि जानवर का शरीर कमज़ोर हो जाता है, सेहत ख़राब हो जाता है, दूध का उत्पादन कम हो जाता है, बीमारी से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है, समय से गर्म नहीं होता है, यानी बहुत सारे प्रजनन संबंधी रोग हो जाता है ना। तो इस सब से निजात पाने के लिए हम लोग कहते हैं कि जानवरों को आप लोग खनिज लवण खिलाइए। अभी हम लोग सीसा प्रोजेक्ट के तहत में बहुत सारे गांव में हम लोग इस चीज़ को हम लोग पॉपुलराइज कर रहे हैं कि किसान खनिज लवण खिलाए, खनिज लवण खिला करके इसका फ़ायदा उठाए। इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा ये होता है कि जानवर का दूध बढ़ जाता है, दूसरा क्या फायदा होता है जानवर की सेहत ठीक हो जाता है, रोया चमकीला हो जाता है, चमड़े में चमक आ जाती है, तीसरा फायदा यह है कि समय से गर्म होना, समय से पाल खाना, ये सब फायदा होता है। यदि गर्भावस्था के दौरान में है, यदि गर्भावस्था के दौरान ब्याने से पहले दिया जाए दाने को तो क्या होता है अगला ब्यात में उसका दूध भी बढ़ जाता है, बच्चा भी स्वस्थ होता है, बच्चा रुकने की बच्चा जानने में जो दिक्कत होती है डिस्टॉक या उसकी भी परेशानी कम हो जाती है ना। और दूसरी बात है कि कई सारे बीमारियों से लड़ने की उसके पास शक्ति बढ़ जाती है ना। ये सब सारे फायदे हैं मिनरल मिक्सचर खिलाने के। दूसरा प्रोजेक्ट के तहत जो ये कार्यक्रम चल रहा है हम लोगों का मिनरल मिक्सचर को प्रोपेज करने का है ना, तो ये हमारे बिहार के 6 जिले में चल रहा है, समस्तीपुर में चल रहा है, बेगूसराय में चल रहा है, मुजफ्फरपुर जिला में चल रहा है, वैशाली में चल रहा है और पटना और आरा डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। धन्यवाद सर, मिनरल मिक्सचर के बारे में हमें आप बहुत सारे जानकारी दिए, हमें बहुत खुशी हुई और हम भी अपने पशुओं को मिनरल मिक्सचर ही खिलाएंगे और ये सब फायदा भी उठाएंगे। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। दीदी कहाँ आई है? दीदी ये मिनरल मिक्सचर खियो बढ़िया है। हाँ। अच्छा तो मिनरल मिक्सचर के बारे में तो डॉक्टर साहब हमरा बतैलन हाँ से बहुत फायदामंद चीज़ है, बहुत पशु के माने फायदा करल है, तो अपने तो खियावे ली एकरा, तो एकरा बारे में हमरा अपने आप बताऊ तो से कौन कौन फायदा अपने के पशु के होल है। मिक्सचर खियावे से माल के दूध बढ़े है, ताकत बने है, उसे गर्भ जल्दी लै है, उससे बच्चा भी ओकर स्वस्थ बने है। खियावे से अभी ताकत बनै छै, कोई भी रोग से लड़े के क्षमता बनै छै। दीदी तो रोज कितना मात्रा में खियाओले माने अपना पशु के मिनरल मिक्सचर? 35 ग्राम का चम्मच है, ये चम्मच से 24 घंटा के अंदर में 2 चम्मच दैले डेली। 25 ग्राम के चम्मच है दीदी? हाँ। ऐसे 2 चम्मच दैले माने दिन में एक के बार एक के टाइम 2 चम्मच।
अच्छा दीदी तो खियावे के तरीका कौन है? हम सूखल चारा के साथ भी खिलेंगे और दाना के साथ भी मिला के खिलेंगे। नाम भोली देवी, घर पीरापुर चौक टोला, प्रखंड बंद्रा, थाना पियर, जिला मुजफ्फरपुर। ऑर्डर खियावे के बाद मतलब खाना जब कुछ कम खाइत रहे गर वो ज़्यादा खाना खाए लगे और बीमारी से कुछ दूर हो गए, दूध भी बढ़ल और खाली रहे 14 महीना मतलब ओकरा बच्चा देला हो गए रहे। ये पाउडर देला के बाद मतलब जल्दी गर्भधारी हो गए, जल्दी गर्भ धारण कल कई। मेरा नाम आशा देवी है, थाना पी घर हरपुर थाना पियर जिला मुजफ्फरपुर ब्लॉक बंद्रा। मिनरल मिक्सर के बारे में जानकारी हमरा शीशा द्वारा मिलल, हम मिनरल मिक्सर खिला रहल हती, ओहिया से हमरा दूध भी बढ़ गया और बीमारी से भी लड़े के क्षमता मिल गई, अब ऐसी जल्दी बीमार ना हो जा। नाम सरिता देवी, घर हरपुर थाना पियर जिला मुजफ्फरपुर बंद्रा ब्लॉक। मवेशी के दूध बढ़ गया, गर्भधारण जल्दी से हो जाता।